नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी बीएमसी सागर। आज है 12 जनवरी। आपको कोरोना से संबंधित अपडेट देना चाहूंगा। आज हमारे बीएमसी की फ्लो ओपीडी में 110 लोगों को इलाज दिया गया है। आइसोलेशन और आईसीयू में आज कोई भी मरीज इलाजरत नहीं है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में आज 25 कोरोना संक्रमित मरीज इलाजरत हैं। बीएमसी में एक मरीज को होम आइसोलेट अथवा डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 13 नए मरीजों को भर्ती भी किया गया है। सागर में आज 133 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें से 121 लोगों की रिपोर्ट बीएमसी से, बाकी के 12 लोगों की रिपोर्ट अन्य लैब और रैपिड एंटीजन किट टेस्ट से प्राप्त हुई है। आप सभी से निवेदन है, सावधानी बनाए रखें, भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, वैक्सीन अवश्य लगवाना, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप में कोरोना के लक्षण आते हैं तो तत्काल अपने आप को आइसोलेट करें, चिकित्सक की सलाह लें, लापरवाही नहीं बरतें। धन्यवाद।